साथ ही जोहान, जोहान आ जा बेटा, गीला होने दो, कोई बात नहीं। और क्या हो सकता है फाइनल फाइनल? जोहान कोई बात नहीं, आ जा बेटा। आतिफ कपड़े गीले जाएंगे। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल नुसरत जहाँ फैशन एंड लाइफस्टाइल, और मैं हूँ नुसरत। गाइज आज का जो वीडियो है वो एक व्लॉग हमारा एक क्लिप छूट गई थी गोवा की सीरीज की, जो कि मैंने सोचा क्यों ना अभी अपलोड कर दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह की थी, जो कि जहाँ पर हम लोग ने लास्ट डे था गोवा में और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया था। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, जिस दिन हमारा गोवा का निकलने का दिन था यानी कि मॉर्निंग का था, तो उसके जस्ट बिफोर एक दिन पहले यहाँ पर हम लोग फिर से बीच पे, इस बीच का नाम था गाड़ा बीच, और यहाँ पर हम लोग आए और सुबह मॉर्निंग हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। इस दिन हम लोगों ने फुल डे एंजॉय किया था और बहुत मज़ा आई थी। तो हमने सोचा ये वाली सीरीज़ क्यों छूट जाए आप लोगों से, जब मैंने ऑलरेडी पूरा ही आप लोग के साथ शेयर किया है तो इसको भी शेयर करना बनता है। ये हमसे थोड़ी मिस हो गई थी, इसके लिए हमने शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा ठीक है आज ही शेयर कर देती हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ने खूब एंजॉय किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह जैसे हमने गोवा में हर एक बीच पे गए और वहाँ पे हर एक बीच का लुत्फ लिया, तो सेम इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पर भी लिया। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, अगर आप सीन देख के हो सकता है समझ भी जाओगे कि बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है और होती भी रहती है। और गाइस वो जो लास्ट डे था ना, तो इतना ज़्यादा वेव्स आ रही थी, इतनी ज़्यादा पानी की वेव्स आ रही थी, तो हम लोगों को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हमारे पास जैसे कि दो बच्चे थे और हम लोग को दो बच्चों के साथ यहाँ पे जाने में बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उनको संभालना तो फुली तरीके से एंजॉय नहीं हो पा रहा था। और आप यहाँ देख सकते हैं पैराशूट, यानी कि हम लोग का 4 दिन का ट्रिप था, तो जिसमें से 2 दिन तो पैराशूट का कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन का कुछ मतलब वो बताया जा रहा था, जिसकी वजह से मना किया हुआ था, मतलब नहीं चल रहे थे। और लास्ट डे जिस दिन हम लोग का आने का था, उसके एक दिन पहले ये पूरे जो भी ये वाटर राइड्स वगैरह थी वो सारी ओपन हो गई थी, जिसमें कि ये पैराग्लाइडिंग था और ये मोटर राइड्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें मैंने तो नहीं किया था, हाँ मेरे हस्बैंड ने किया था, बट उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं थी उसमें, इसके लिए वो मिस हो गया। और फिर हम लोग ने वहाँ पर एंजॉय करने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर अपने फ्लैट पर, अपने यहाँ रिजॉर्ट में, और फिर से नहा धो के रेडी होके फिर हम लोग चले गए थे शाम को, फिर से सेम चले गए थे हम लोग बाघा बीच। और बाघा बीच का नज़ारा मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि देखिए कितना खूबसूरत शाम का जो नज़ारा होता है। वाकई में एकदम अलग डिसेंट तरीके का होता है, जो कि लगता नहीं कि हम इंडिया में हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। और गाइस बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर गोवा जाओ तो वहाँ पीना खाना या फिर कुछ ऐसे शॉर्ट्स वगैरह पहनो तो ही अच्छा लगता है। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी मानती नहीं, क्योंकि मैं जब गई तो ना हम लोग ने पिया, ना ऐसा कुछ खाया, ना ही सिवाय खाने और जो भी नॉर्मल जो हम लोग का खाना होता है बस उसके अलावा, और ये ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने कुछ अलग तरीके से अपने आप को कपड़ों को वेयर किया हो, मैं सिंपल
सिंपल जैसे मुंबई में रहती उसी तरीके से मैंने गोवा में भी इन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा हो। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सख्ती भी थी क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर लोग गाड़ियों से आ रहे थे और मना कर रहे थे कि आप ज़्यादा आगे ना जाएं, जो कि वहाँ के और ये थे। मैंने सोचा आपको एकदम पूरा अच्छे से दिखा दूँ कि देखिए शाम का जो नज़ारा आता है वो कुछ इस तरीके का होता है बागा बीच का। और यहाँ पर लोग लेटते हैं चेयर्स में और बैठते हैं और मतलब कैसे भी करके एंजॉय करते हैं। जिनको मतलब पीने का शौक़ है वो यहाँ पर पीते हैं, बट हम लोग तो भैया खूब एंजॉय कर रहे थे, हम लोग तो बस घूम रहे थे। हम लोग तो मेन ज़्यादा हम लोग ने समंदर में खूब एंजॉय किया। अब ये लास्ट डे था और लास्ट डे हम लोग नहा धो के रेडी थे, तो इस दिन हम लोग नहीं समंदर में गए। शाम में तो नहीं गए, मॉर्निंग में गए थे बट शाम में नहीं गए क्योंकि बहुत शाम भी बहुत हो गई थी और वेव्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वहाँ पर जो मना करने जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं वो मना कर रहे थे कि नहीं अभी शाम में नहीं जाना क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर हम लोग ने कोई नहीं यहाँ पर हम लोग ने एंजॉय किया, जो भी हम लोग को खाना पीना था आइसक्रीम वगैरह खाया पिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे रात को घर, बहुत थक गए थे, फिर नहा धो के सो गए थे क्योंकि हमको अगले दिन निकलना था। तो हो गई थी ये सुबह की मॉर्निंग, आप देख सकते। तो ये थी सुबह की मॉर्निंग, सुबह 6 बजे की, जब हमारा था रूम का चेकआउट, बट थोड़ा ख़राब भी लग रहा था। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अब हो गया आज हमारा चेकआउट, यानी कि अब हमारे घर जाने की बारी आ गई। काफ़ी थोड़ा ख़राब लग रहा है बट क्या करें, घर तो जाना ही है। तो आप देख सकते हैं सब लोग निकल गए हैं घर से, मतलब रूम से सब निकल चुके हैं। अभी हो गया है हमारे जाने का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 6। हमारे रूम का चेकआउट हो चुका है और हम लोग निकल गए हैं। अभी अपने रिजॉर्ट में के अंदर ही हैं बट निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ी हमारी आ गई है और अब जा रहे हैं गोवा टू मुंबई। और फ्रेंड्स क्या होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं और सुबह की अगर ट्रेन या फ्लाइट हो रहा है तो बहुत खलता है, बट क्या करें यहाँ पर जब हमको मुंबई आना था तो मुंबई की जो ट्रेन थी वो मॉर्निंग की ही थी तो मजबूरन हमें करना पड़ा। और क्या होता है ना कि सुबह सुबह एक तो ट्रेन लगता है जल्दी उठना है, फिर पैकिंग करनी है, निकलना है और कहीं नई जगह है, कहीं ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो, वहाँ का है, इन सब को देखते हुए थोड़ा सा मन में टेंशन रहता है। तो इसके लिए इतना भूलो मिस करोगे बाद में लगता है थोड़ा हैप्टिक हो जाता है। देख ले मैं एक बार की ट्रेन है तो आज ये है सुबह 6 बजे का नज़ारा पुल का, एकदम सन्नाटा। अब है हमारा मुंबई जाने का टाइम, गोवा बैक टू गोवा टू मुंबई, बैक गोवा टू मुंबई। अब है हमारा मुंबई जाने का टाइम, तो सोचा एक बार फिर से पूरा रिजॉर्ट घूम लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ जो आपको कॉटेज दिख रहे हैं इस वीडियो में, तो इसी तरीके के यहाँ कॉटेज बने थे जैसे कि हमारा भी इसी तरीके का था। ये इस साइड नहीं, मेरा थोड़ा जिधर से हम लोग निकल कर आ रहे थे मेरा उस साइड पे था, तो वो इस रिजॉर्ट में इसी तरीके के कॉटेज बने थे जो कि बहुत ही खूबसूरत थे अंदर से भी और बाहर से भी, बड़ा अच्छा लगता था देखने में। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम इंडिया में, एकदम बाहर का सीन लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। तो गोवा को मिस करोगे? हाँ बहुत है। गोवा में मजा आई ना, खासकर इस पुल में तो बहुत ही मजा आई, तुम लोग ने इतना एंजॉय किया इस पुल में, दिन में दो दो तीन तीन मर्तबा उतरते थे ना पुल में। मिस करोगे ना? कोई नहीं, हम लोग फिर आ जाएंगे ना, है ना। देखो डॉल्फिन, यहाँ तुम डॉल्फिन वाली बात करते थे ना, को देख के किया था मैंने। हाँ
कोई नहीं कोई नहीं, फिर हम लोग कहीं और दूसरी जगह का ट्रिप बनाएंगे ना, मनाली का, वहाँ पे स्नोफॉल होता है ना। हाँ हाँ, अभी हम लोग ने जैसे कि ओला बुक किया था स्टेशन जाने के लिए, तो हम लोग उसका ही वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आपको एक बार फिर से पूरा एकदम जो हमारा रिजॉर्ट का एरिया था वो पूरा घुमा देते हैं। तो इसीलिए अच्छे से हम लोग पूरा चारों तरफ का वीडियो कैप्चर कर रहे थे, और इस ताकि एक निशानी यादगार रह जाए। और बस सुबह सुबह का टाइम था, बस यही सब था, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा था, जैसे कि हम लोग को ब्रेकफास्ट सुबह का मिलता था, तो उन्होंने कुछ नाश्ता हम लोगों के लिए रास्ते के लिए भी पैक कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग उसका भी वेट कर रहे थे। अब हम लोग मिलेंगे आपसे मुंबई में।